everyone. Welcome back to my channel Decor and Hall Stories. Hope you all are doing well. आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग होम डेकोर हॉल। आज के सारे प्रोडक्ट्स मैंने मीशो से परचेज करे हैं, बट ये सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन पर भी अवेलेबल हैं, बट बहुत ज़्यादा प्राइस पर। सो आई थॉट मैं आपके साथ ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स शेयर करूँ, एंड क्यों ना इन्हीं प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके मैं आज आपको एक एक्साइटिंग मेकओवर भी दिखाऊँ। ये मेकओवर किसी बेडरूम किसी लिविंग रूम का नहीं है, बल्कि मेरे घर के एक छोटे से कॉर्नर का मेकओवर है जिसको हम यूजली स्टोर रूम की तरह ट्रीट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप अपने घर के ऐसे छोटे छोटे कॉर्नर्स को यूज करोगे तो आपका घर बहुत स्पेशियस लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सट्रीम कॉर्नर मेकओवर से, एंड साथ ही साथ अनवील करते हैं न्यू प्रोडक्ट्स को। तो ये है मेरे घर का वो कॉर्नर जहाँ पर मैंने अपनी वेजिटेबल बास्केट, एक स्टेयरकेस, कुछ पेंट का सामान रख रखा है, एंड यहाँ पर ये गैस पाइपलाइन एंड गैस मीटर भी है जिसकी मैं बात कर रही थी। तो किसी भी मेकओवर को शुरू करने से पहले उसको एम्प्टी करके क्लीन किया जाता है, तो अब मैं वही कर रही हूँ। इन मेकओवर्स के बहाने घर के इन कॉर्नर्स की काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाती है, एंड ये वेल मेंटेन्ड रहते हैं। तो क्लीन करने के बाद मेरा ये कॉर्नर कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब हम शुरू करेंगे इस कॉर्नर की डेकोरेशन से। सबसे पहले हम लोग वॉल डेकोर करेंगे, एंड देन विल क्रिएट अ सिटिंग अरेंजमेंट। तो वॉल डेकोर के लिए मैं यूज़ करूँगी ये ब्रिक वॉलपेपर जो आप इजीली मीशो या अमेजोन से परचेज कर सकते हो। ये मेरे पास पहले से स्पेयर पड़ा था तो मैंने वही यूज़ किया, मैंने इसका कोई न्यू परचेज नहीं किया है। इसको मैं मीटर से पाइप तक लगाऊंगी इन अ डोम शेप मैनर। तो सबसे पहले हम इसको एक डोम शेप में कर लेते हैं। सो मैंने वॉलपेपर के बैक साइड पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है, एंड उसकी शेप में मैं इस पेपर को कट कर लूँगी, एंड देन वील स्टार्ट पेस्टिंग दिस ऑन द वॉल। पेस्ट करने के लिए मुझे किसी ग्लू किसी सेपरेट फेविकॉल की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी एडहेसिव गिवन है पेपर में, आप आसानी से इसको पेस्ट कर सकते हो, और पेस्ट करते हुए ध्यान रखना कि कोई बबल ना आए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ आज की हॉल का पहला प्रोडक्ट, विच आर दीज वेरी ब्यूटिफुल एंड अफोर्डेबल वॉल डेकोर सर्कल्स। ये मैंने मीशो से 200 रुपीस में परचेज करे हैं, एंड यही सेम प्रिंट एंड यही सेम प्रोडक्ट अमेजोन पर अराउंड 1000 रुपीस का है। नाउ आई विल ऐड दीज ब्यूटिफुल एलिगेंट सर्कल्स ऑन द वॉल, एंड हम मीटर के पाइप से शुरू करते हुए वॉलपेपर की शेप में रैंडमली इनको प्लेस करेंगे। बहुत ही वाइब्रेंट प्रिंट है इन सर्कल्स का, एंड ये काफ़ी अच्छे से इस वॉल को कवर कर देंगे, और हमारे कोई ज़्यादा एफर्ट्स भी करने की ज़रूरत नहीं है। इन सर्कल्स को पेस्ट करना भी बहुत आसान है, इसके पीछे ऑलरेडी डबल टेप गिवन थी, आपको रिमूव करके इसको बस स्टिक करना है। मैं बहुत ही रैंडम मैनर में इन सर्कल्स को पेस्ट कर रही हूँ। मेरा मेन एम यही है कि मेरी पूरी वॉल कवर हो जाए, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। सो पेस्ट करने के बाद इस वॉल का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। इस वॉल को डेकोरेट करने के लिए अब मैं अपना दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करूँगी जो है ये हैंगिंग शेल्फ। ये हैंगिंग शेल्फ सेट ऑफ टू में मैंने मीशो से 94 रुपीज़ में परचेज करे हैं, एंड यही हैंगिंग शेल्फ सेट ऑफ टू में अमेजोन पर 249 रुपीज़ के हैं। ये वुडन मटेरियल में बने हैं, एंड इस पर एक हैंगिंग हुक है जिससे आप इसे कन्वीनियंटली वॉल पर हैंग कर सकते हो। इस हैंगिंग शेल्फ को मैं वॉलपेपर के मिडल में इस तरह से हैंग कर दूंगी, एंड इस हैंगिंग शेल्फ पर मैं एक कैंडल एलईडी कैंडल रखूंगी। नेक्स्ट टू दिस कैंडल आई विल प्लेस आर्टिफिशियल वाइन प्लांट। ये आर्टिफिशियल वाइन प्लांट मैंने दो परचेज करे थे, एक अमेजोन से और एक मीशो से। मीशो से ये मुझे 285 रुपीज़ में मिला, एंड अमेजोन पर यही सेम प्रोडक्ट 317 रुपीज़ का है। आप देख सकते हो ये कितना नेचुरल लुकिंग लगता है, एंड बहुत ही अमेजिंग एंड रिफ्रेशिंग लुक देता है, आप इसको जहाँ पर भी रखते हो। नाउ मैं ये सिरामिक प्लांटर यूज़ करूँगी, एंड मैं इसको मीटर के नीचे प्लेस करूँगी। मैंने इसमें पर्टिकुलरली ब्लू कलर चूज़ किया है ताकि थोड़ा वाइब्रेंट लगे, एंड इसके अंदर मैं ये आर्टिफिशियल लीव्स हैंग करूँगी। नेक्स्ट मैं ये वुडन फ्रेम ऐड करूँगी, एंड ये सिर्फ 100 रुपीज़ में मैं बंजारा मार्केट से लास्ट ईयर परचेज करके लाई थी। अब वॉल डेकोर तो कंप्लीट कर दिया, बट ये पाइप का भी हमें कुछ करना पड़ेगा, तो इस पाइप को मैं कवर करने के लिए आर्टिफिशियल मनी प्लांट की बेल ऐड करूँगी, विच इज़ माई नेक्स्ट मीशो प्रोडक्ट।
ये आर्टिफिशियल मनी प्लांट मैंने मीशो से सेट ऑफ 4 में 140 रुपीज में परचेज करा है एंड यही प्रोडक्ट अमेजोन पर सेट ऑफ 3 में 199 रुपीज का है। एंड इस आर्टिफिशियल मनी प्लांट की बेल के साथ ही मैं स्ट्रिंग लाइट भी ऐड करूंगी सो दैट इस पे कोजी लुक आए। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मीशो प्रोडक्ट की ओर जो है ये ब्यूटीफुल बर्ड्स जो पैक ऑफ 6 में मैंने मीशो से 225 रुपीज़ में परचेज करी है एंड यही सेम प्रोडक्ट अमेजोन पर पैक ऑफ 6 में 399 रुपीज़ का है। इसमें चार स्मॉल साइज की बर्ड्स हैं और दो बड़ी साइज की बर्ड्स हैं। तीन स्मॉल साइज की बर्ड्स को मैं इस गैस पाइपलाइन पर हैंग करूंगी जो इस पर एक वाइब्रेंट और कलरफुल लुक ऐड करेंगी। तो आप देख सकते हो इस वॉल का लुक, इट्स लुकिंग लाइक अ गार्डन। इस वॉल के एडजेसेंट वॉल पर मैं एक बर्ड हैंग करूंगी। नेक्स्ट टू दिस बर्ड आई विल यूज दिस सिरामिक हैंगिंग प्लांटर जिसके अंदर एक मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही बुशी हैंगिंग आर्टिफिशियल प्लांट यूज करूंगी। सो गाइज वॉल डेकोर तो कम्प्लीट हो गया, चलिए क्रिएट करते हैं अब एक कोजी सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट के लिए मैं यूज़ करूँगी एक गद्दा जो मेरे पास घर पर ही अवेलेबल था एंड मैंने उसको 3 फोल्ड्स में कर दिया। अगर आपके पास वुडन पैलेट है तो आप वुडन पैलेट भी यूज़ कर सकते हो। इस गद्दे पर मैं ये थ्रो ऐड करूँगी। ये थ्रो भी मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था एंड मैंने आप लोगों के साथ भी अपनी प्रीवियस हॉल वीडियोज़ में शेयर किया है। मैंने काफ़ी सटल कलर में थ्रो को यूज़ किया है क्योंकि मैं इस पर वाइब्रेंट कुशन कवर्स यूज़ करूँगी। अब मैं आगे ये जूट रग प्लेस करूँगी। यहाँ पर भी मैंने न्यूट्रल कलर का ही इस्तेमाल किया है। सो अगर आपका बेस न्यूट्रल है तो आप कुशन कवर्स वाइब्रेंट ऐड करो और बेस वाइब्रेंट है तो कुशन कवर्स न्यूट्रल ऐड करो। सो नाउ आई विल ऐड कुशंस यहाँ पर एंड मेरा आज का कलर थीम मोस्टली ब्लू येलो एंड रेड पर है तो मैंने उसी कलर के कुशन कवर्स को यूज़ किया है एंड इस तरह से मैंने एक कॉर्नर क्रिएट किया है यहाँ पर। अब हम इस कॉर्नर में ग्रीनरी ऐड करेंगे। सो सबसे कॉर्नर में मैंने रखा है ये बैम्बू प्लांट। बैम्बू प्लांट के आगे आई विल ऐड दिस कासा डेकोर स्टूल जो मैंने मीशो से 581 रुपीज़ में परचेज करा है एंड यही स्टूल अमेजोन पर 650 रुपीज़ का है। इसी स्टूल के ऊपर मैं ये जूट प्लांटर प्लेस करूँगी जो मैंने मीशो से 263 रुपीज़ का परचेज करा है सेट ऑफ 2 में एंड यही जूट प्लांटर अमेजोन पर सिंगल पीस 227 रुपीज़ का है। नेक्स्ट ऑन द फ्लोर मैं एक और जूट प्लांटर रखूंगी एंड उसके अंदर मैं एक और प्लांट ऐड करूंगी। इस तरह से मैंने तीनों प्लांट्स में एक हाइट डिफरेंस क्रिएट किया है जिससे ये बहुत ही प्रिटी लगे एंड मैंने न्यूट्रल कलर्स का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। एंड कुछ और वार्मथ एंड कोजीनेस क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर दो LED कैंडल्स ऐड करूंगी। आप चाहे तो LED कैंडल्स को स्किप करके प्लांट्स पर स्ट्रिंग लाइट्स भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट मैं ये जूट बास्केट प्लेस करूंगी जो मैंने लोकल मार्केट से पहले परचेज करी थी एंड इसके अंदर आई विल कीप दिस ब्यूटीफुल सिरामिक प्लांटर एंड अगेन सिंस कलर थीम इज़ रेड एंड ब्लू तो रेड कलर में मैंने प्लांटर यूज़ किया है। प्लांटर में मैंने आर्टिफिशियल रोज बंच रखा है, आप चाहे तो फ्रेश फ्लावर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पर हमें जेन कॉर्नर क्रिएट करना है, नेक्स्ट टू इट आई विल कीप दिस ब्यूटीफुल बुद्धा। ये एक इंसेंस होल्डर है, आप इसके अंदर धूप बत्ती जलाओगे तो वो धूप बिल्कुल वाटरफॉल की तरह फॉल करेगी। ये बुद्धा मैंने मीशो से 114 रुपीज़ का परचेज करा है एंड यही प्रोडक्ट अमेजोन पर 140 रुपीज़ का है। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इस प्रोडक्ट की एंड आप इसे बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर मीशो से परचेज कर सकते हो। इसके आगे मैं ये LED कैंडल ऐड करूँगी यू नो टू क्रिएट दैट मेडिटेटिंग कॉर्नर। अब हम एक छोटा सा लालटेन रख देंगे लेफ्ट साइड पर कुशन के साइड में जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग लाइट्स ऐड करी हैं। तो चलिए धूप बत्ती जलाते हैं और सारी लाइट्स को ऑन करते हैं एंड इस मेडिटेटिंग कॉर्नर का एक फाइनल लुक लेते हैं। तो गाइज ये था मेरा कॉर्नर मेकओवर करने से पहले एंड पूरा मेकओवर करने के बाद ये कॉर्नर कुछ इस तरह का लग रहा है। And I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind.
And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? So guys, ये थी मेरी आज की अफोर्डेबल मीशो हॉल वीडियो विद कॉर्नर मेकओवर। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस तरह से अगर हम घर के छोटे मोटे कॉर्नर्स को मेंटेन करके रखें तो हमारा घर बहुत स्पेशियस एंड काफ़ी यूजफुल रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आपको आज का मेकओवर कैसा लगा। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं या जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ऐसे मेकओवर वीडियोज़ एंड हॉल वीडियोज़ आप लोगों के लिए ऑन रेगुलर बेसिस लाती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।